हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने एक और क्वेश्चन लेकर आ गए हैं और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो सामने दिया हुआ है तो किस तरीके से सॉल्व होगा वो चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, मतलब एस एन की वैल्यू 1 ले लेते हैं और एस एन की वैल्यू यहाँ 2 ले लें, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे देख रखा है 5n+4 और डिवाइडेड बाई 9n+6। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पर साइड में अगर मैं बोलूँ कि a18 फर्स्ट वाले के लिए ले रहा हूँ, तो a18 1 के लिए क्या हो जाएगा, a+17d, और 1 के लिए सब में 1 लगा देते हैं। अच्छा सेकंड के लिए अगर मैं बोलूं दूसरे वाले के लिए एपी के लिए, तो a2 18 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे a2+17d2 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर अगर मैं इस एस एन वन के लिए अगर मैं लिखूं तो क्या यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखिए n1/2 ब्रैकेट में 2a1+(n-1)(d1), ठीक है, और इसके नीचे भी n21, ठीक है, n21/2, यहाँ 2a2+(n-1)(d2), इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, इसके इक्वल टू 5n+4/9n+6 है। अब यहाँ पर एक लॉजिक देखिए, 2a+(n-1)(d1) और यहाँ पे 2a2+(n-1)(d2) है, 5n+4/9n+6। अब यहीं पर समझना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए कि ऐसा है कि 2 का इधर मल्टीपल है, यहाँ पर देखिए a पर कोई मल्टीपल नहीं है, यहाँ 17 होना चाहिए। अगर यहीं पे मैं 2 का मल्टीपल करूँ तो ये 2a1 हो जाएगा, ये 17 2 जा 34 हो जाएगा। तो यहाँ 34 कब आएगा, जब n की वैल्यू 35 रखूंगा, तो n की वैल्यू में क्या रख दिया, 35। तो यहाँ पर आ गया है आपका 2a+(35-1)(d1) और यहाँ पर 2a2(n-35-1)(d2). तो यहाँ पर भी n की वैल्यू 35 रखेंगे तो 5 में 35+4 और 9 में 35+6, तो इस तरीके से करेंगे। तो देखिए ये वाला क्या बन जाएगा आपका, देखिए 2a+34d, सब 1 1 लिख लो और यहाँ पर 2a2+34d2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 35 5 जा कितना हो जाता है, ठीक है, दोनों मल्टीपल करके और आंसर लिखने हैं। 35 अगर मैं 5 जा करने जाऊं तो 5 5 जा 25 लिख लेते हैं यहाँ पे, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15 और 2 17+4 है और यहाँ पे क्या हो गया, 9 5 जा 45 का 5 4 आया, 9 3 जा 27 और 4 31 हो गया, यहाँ +6 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें से अगर मैं 2 डिवाइड कर दूं और 2 इसमें से भी डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो दोनों तरफ डिवाइड बाय 2 करूं मैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर भी डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a1+17d1 और यहाँ पे a2+17d2 और ये क्या हो गया, देखिए 179 हो जाएगा और ये 321 हो गया, और यही तो है n का रेशियो, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। धन्यवाद।